तू दिखा दी जनी जुनावी, तू दिखा दी जनी जुनावी, सच्ची प्यार सो जब हुंदिन चुई रूपा के पहले त्यारु नो हो त्यादा रूप देखी की हो त्यादा रूप देखी की रोग जाएंगे ना बाया बनी लोग जाएंगे ना बाया बनी. वेलकम बैक टू अवर चैनल. आई एम खुशी एंड आई एम दिया. और आज है संडे और हम लोग आज ब्लॉग शूट कर रहे हैं. कोई चैलेंज वीडियो नहीं है, कोई फूड वीडियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग, संडे ब्लॉग. तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं. आप हमारी शक्ल देख ही रहे होंगे. हम लोग अभी उठे हैं, मतलब मैं 6 बजे उठी हूँ. मैं 8 बजे उठी. हाँ, तो हमने मुँह कुछ भी नहीं धोया है, हमको नहाना है, रेडी होना है. और आज हम लोग कहीं जाने वाले थे पर हम जा नहीं पाए. और फिर हम मैगी बनाएंगे और मम्मी लोग आज लंच बनाने वाले हैं, वो भी पूरा पहाड़ी खाना बनाने वाले हैं. आपको मैं दिखाऊंगी क्या क्या होता है, कैसे बनता है, वो तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. फिर तो बिना किसी देरी के इंट्रो खत्म करते हैं और चलते हैं ब्लॉग. हाय, तो हम लोग नहा के तैयार हो गए हैं और वी ट्राई टू मैच. हमने ब्लू पहनने की कोशिश की, डार्क ब्लू है एंड व्हाइट. तो दिया का प्रोडक्टिव डे लुक्स लाइक दिस, अ 10 स्टैंडर्ड लुक्स लाइक दिस. अभी इसकी ट्राई चल रही है एंड मैं रोज की तैयारी करती हूं. थोड़ी देर में हम दिया के साथ पास आउट लुक लाइक दिस आने की तैयारी. तो थोड़ी देर में दिया भी आ जाएगी. कितने दिन हो जाएगा मेरे को? दो चैप्टर करने. ऐसे होता है जब आप पूरे साल भर कुछ काम नहीं करते तो एक साथ कुछ करना पड़ता है. तो चूल्हा जलाने की तैयारी करते हैं जो कि बहुत बड़ा टास्क है. सो गाइस, न्यू अपडेट. हम लोग मैगी नहीं बना रहे हैं, हम सीधे लंच करेंगे क्योंकि मामी ने कहा है बहुत टाइम वेस्ट हो गया. तो मम्मी ने बोला कि अभी बहुत लेट हो गया है, 11:30 हो गया है. तो मैगी हम लोग बाद में शाम के टाइम पे बना लेंगे, पर पक्का बनाएंगे क्योंकि मैगी खाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन है. चटपटी सी प्याज टमाटर वाली मैगी मेरे को खानी है. आज शाम को पक्का बनाएंगे और चूल्हे में ही बनाएंगे. मेरे को ट्राई करनी है चूल्हे में बना के मैगी. और बाहर मम्मी, अरे बाहर लेके नहीं गए? अभी ले जाएंगे. अभी मामी बाहर मम्मी खाने की तैयारी कर रही है, भट्ट का जो बना रही है. उसके भट्ट का जो पीसना था वो मैंने पीसा है, मिक्सी में पीसा है पर हाथ से नहीं पीसा है. तो बाहर ही चलते हैं, आग में बन रहा है खाना, चूल्हे में बन रहा है, तो देखते हैं. तो ये बन रहे हैं भट्ट के जौ. यम्मी यम्मी, सुंदर सुंदर लेडी बना रही है यम्मी यम्मी भट्ट के जौ. मम्मी झोली भी बनेगी ना, और इसके बाद बनेगी झोली. तो अब खाना खाना शुरू कर रहे हैं हम. दिया का दो यहाँ पे, और ये हमारी प्लेट बहुत सुंदर से मम्मी ने सजाई है. देखो देखो, हम इतना ही खाते हैं. अगर आपको लग रहा है हम बस इतना ही खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सही सोच रहे हो. मैं यहाँ पे रख देती हूँ कैमरा और हम लोग खाना शुरू करते हैं. इनका बनने वाला है अचार, जस्ट लाइक दिया को हम बोलते हैं, उनका अचार बना देंगे. नहीं खाना है इसको, ये पागल हो रहा है, कच्चा आम खा जाती है सारा का सारा. चाकू लेके आना है. तो अभी हम बाहर बैठ के मैगी की तैयारी कर रहे हैं. 5 बज गए हैं और मेरी आंख से आंसू आने लगते हैं. What's up guys? हमारी शाम आंसू है कि रुकते ही नहीं. और पता नहीं मेरे को ही ज्यादा प्यास क्यों लगता है, बाकी किसी के इतने आंसू. मैं बगल में बैठी हूँ, मेरे को बिल्कुल भी प्यास नहीं लग रहा. मैं थोड़ा थोड़ा लग रहा है. यहाँ कट रहे हैं प्यारे प्यारे प्याज और तब तक हम यहाँ कट रहे हैं प्यारे प्यारे टमाटर और मैं मसाले की तैयारी करती हूँ. उसको देखो ऊपर.
मैं चेंज है, हमारे सुबह से बहुत प्लान चेंज हो चुके हैं। हमारा जो घर पे आम का अचार बनने वाला था वो नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है? आम की चटनी बन रही है, क्योंकि अभी जब हमने आम काटे तो पता चला कि आम पके हुए हैं थोड़े। मैगी रेडी है, हम लोग इसको निकालने वाले हैं। मतलब मम्मी पिघलेगा यार वो। मम्मी को मत बोलना ठीक है। यो नाइस, मैगी रेडी है, इसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। यस क्या और चूल्हे में ना कुछ भी बनाओ उसका टेस्ट ना बहुत 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 ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो आज हम लोग सोच रहे कि हम रात में भी चूल्हे में ही बनाएंगे। चटनी की तैयारी, आम की चटनी मतलब हो चुकी है, तो ये खट्टी मीठी वाली जो चटनी होती है वो वाली बन गई है। डालो, मैं डालो डाल दिया, तो ये गुड़ मैंने किया है थोड़ा है चाकू से। और इसमें हम लोग इतना डाला डाल दिया कल मैंने वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा मैंने मिक्स करो मैं। तो अगर आपको सार्कास्टिक चीज़ें सुनी है तो मेरा ब्लॉग देखते रहिए, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। तो इसमें क्या डाला है, इसमें सरसों के तेल, सरसों का तेल डाला था, उसमें सौंफ डाला है और ये जो कच्चा आम था वो डाला है, उसके बाद इसमें गुड़ डाला है ना, सरसों के तेल का गुड़ है गाइस, जैगरी गुड़ डाला है, सरसों के तेल और अफकोर्स आलू डाला है, और कुछ डाला है इसमें, नमक 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 भी डाल दिया इसमें। करती हूँ, मैंने टेस्ट नहीं की इसको। वैसे मेरे को मीठी चीज़ें, खट्टी मीठी चीज़ें तो पसंद नहीं है, बट फिर भी टेस्ट करके देख लेते हैं। संजीव कपूर अच्छी हो रही है, उसको चटनी पसंद है ना, वैसे इन जनरल उसको बहुत पसंद आने वाली है। ये उधर दलिया, ये रे पकौड़े, आधा बैटर बचा है, आधा बन चुका है, सब खाए जा रहे हैं इसे। तो अभी चाय आ जाएगी, फिर खाना शुरू करते हैं इसको। मैं सांस की जान और वो तो ऐसे क्यों कह रहा है, और अंधेरा हो गया बिल्कुल, रात हुई। टाइम क्या हो रहा है? चाय रेडी, पकौड़े भी रेडी, रेडी पकौड़े भी रेडी। लो भाई कौन पी रहा है? रोगे पिछले बार भी इतने पकौड़े थे, इस बार भी इतने पकौड़े थे गाइस, हमने खा लो लो। मम्मी पहाड़ी लोग कैसे पीते हैं चाय? पियो अब ऐसे ही पियो। ओ बाप रे, गरम गरम पी भी लोगे। पकौड़े का बैटर कितना बचा है भाई? बच जाएंगे तो कसम। हम लोग वापस आ गए हैं ब्लॉग में, और अभी हम लोग खा रहे हैं पकौड़े। हमारे घर में आपको औरतें दिखेंगी सर, तो ऑस्कर कम हेयर। ओ मत बुला दे, दियर चाय प्लीज देना। लेट मी ड्रिंक फर्स्ट। चाय है, जूस नहीं है। ये सब गिराती रहती है, मत गिराना इसको। तो बची कुची चाय हम लोग पी रहे हैं बिल्कुल इसी में ही। अब हम लोग व्लॉग एंड कर देते हैं, अभी टाइम हो रहा है, रात के 9 बज रहे हैं। और आज का व्लॉग बनाने में बहुत मजा आया, और दिन तो ज्यादा ही प्रोडक्टिव था, बहुत ज्यादा हो गया। हमने सोचा भी नहीं था कि हम लोग ये करेंगे, बस जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया हम लोग कुछ ना कुछ करते गए करते गए, और कुछ करने के बहाने हम लोगों ने इतना कुछ खा लिया है। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, इनको छोड़ो। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, अपने पहाड़ी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने नॉन पहाड़ी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, ताकि उनको पता चले क्या करते हैं हम लोग। तो आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करो, आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं। बाय बाय, मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।